हेलो गुरुआन दिस इज सुमित कुमार एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर पी एच रिजल्ट तो अभी तक ये फोर्टीन और फेब तक जो हमारे यहाँ रिजल्ट हुए हैं अभी तक तीन बच्चों का ऑफिशियली पी में सिलेक्शन हो चुका है एक और है जो पिछले साल के थे उनका भी हुआ बट ये तीन के ही बात करता हूँ इन्होंने एक ने कोर्स जुलाई सेशन में ज्वाइन किया था दो ने जुलाई सेशन में ज्वाइन किया था और एक अभी दिसंबर के बैच में ज्वाइन किया था दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हुई थी उसमें तो एक बच्चे का जिसका नाम सुमित कुमार है मेरा इसे मेरा नाम है उनका जे में पी में सिलेक्शन हुआ और दूसरा जो नाम है वो है मृणाल उनका रायगंज यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ ये दोनों ही जुलाई सेशन में ज्वाइन किए थे और जो तीसरा स्टूडेंट है हर्ष उनका इस बार दिसंबर में एडमिशन लिए थे और अभी उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में सिलेक्शन हुआ है तो तीन स्टूडेंट जे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात और एक रायगंज यूनिवर्सिटी तो तीन जगहों पे ये तीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें से जो दो बच्चे हैं मृणाल हो गए और हर्ष इन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है इनफैक्ट पहले ने भी करी है सुमित ने भी बट इन दोनों का मेहनत दिखा है हर्ष तो भी ज्वाइन किया था और उसने बहुत ही उसके बारे में लेके चिंतित भी था उसके पास टोटल तो तो जो उसने बताया कि वहाँ पे छः सात या आठ कैंडिडेट का हुआ है एक्सेप्ट हिम बाकी सारे बच्चों का जे है सो ही इज़ दी मतलब नॉन जे कैंडिडेट और इसने वहाँ का रिटर्न निकाला फिर इंटरव्यू भी फेस किया और सब कुछ इसका अच्छा रहा तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आपके सामने शेयर करनी चाहिए जो ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है देखिए आप मेहनत कर रहे हैं सब्जेक्ट पे अगर आपका नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन होगा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको डेवलप करते रहिए ओके और ये जो दो बच्चे मैंने बताए बहुत ही एवरेज बच्चे हैं इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एम किसी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है बहुत एवरेज लेकिन एक चीज़ ये है इन इन इनमें एक कॉमन चीज़ मेहनत जो दिया जाता है वो ये लोग करते हैं मन से करते हैं उसी का ये फल है और एक और भी स्टूडेंट है जिसको हमने बताया था सुमित उसका जे में हुआ सलेक्शन उसका इस बार जेरब भी हुआ था और गेट भी ठीक ठाक गया है आई होप वो भी अच्छा जाए यहाँ पे एक स्टूडेंट है ये तीनों में ही एक स्टूडेंट है जिनको जिनको ये लगता है कि मेरा ऐसा मार्क्स रहेगा या मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मेरे फैमिली क्या सोचेंगे देखो आपको ठीक है आपने टारगेट किया कि अच्छे जगह आपको जाना चाहिए है ना या और सब भी जो बच्चे हैं जो इस टाइप का सोच रहे हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और उस टाइप का यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब मैथ क्या बोला जाए कि आप एकदम एवरेज हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं या ऐसा वैसा कुछ लॉन्ग रन में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं मैटर ये करता है कि आप जहाँ से भी पी कर रहे हैं वहाँ आप हंड्रेड परसेंट अपना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं क्वालिटी कैसा है आपका आप कैसे उसमें थिंक कर पा रहे हैं सोच पा रहे हैं ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ओके okay? अच्छी यूनिवर्सिटी ठीक है एक बार जाना चाहिए हम तो हमेशा बोलते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ का टारगेट कीजिए लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं मिल पाता राइट तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं सब टारगेट करते हैं कि यहाँ जाना है बहुत कम बच्चे जा पाते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या एक जो यूनिवर्सिटी जो उनके हिसाब से, से नॉर्मल है मैं तो ऐसा नहीं मानता कि ये नॉर्मल है ये बहुत ख़राब है बिल्लू ऐसा मेरा मानना नहीं है ये उनका परसेप्शन होता है कि वहाँ पे जा रहे हैं तो फैमिली के नज़र में मैं गिर जाऊँगा दोस्तों के नज़र में गिर जाऊँगा दोस्त क्या सोचेंगे रिश्तेदार क्या सोचेंगे भाई इतना टेंशन अगर आप ले लोगे लोगों के बारे में फिर लोग क्या सोचेंगे उनका काम है वो जो सोचना चाह रहे हैं उनको सोचने तो आप क्या सोच रहे हो ये मैटर कर रहा है तो आप तो अच्छा ही सोच रहे हो अपने साथ कि यार मुझे मैथ करना है तो इस तीन में एक स्टूडेंट ऐसा था जो ये सारी चीज़ें सोचता है तो ऐसा कॉमन डाउट होता है जनरली और भी स्टूडेंट के साथ जो इस टाइप का सोचते हैं मैं यही बोलता हूँ ठीक है कुछ हद तक इस टाइप की चीज़ें आती हैं लेकिन ये हावी नहीं होनी चाहिए आप पे थोड़ा देर के लिए लगता है कि यार क्या लेकिन ठीक है लाइफ है अब कहा जाता है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को बीत ना जाए रहना ओके तो इसीलिए आप कोई क्राइम तो कर नहीं रहे ठीक है आप यू आर टारगेटिंग एक्स वाई जेड आपको नहीं मिला वो बट एनी वे जहाँ भी जाओ अपना हंड्रेड परसेंट दो एट द एंड तो आपको पीएचडी करनी है वो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए वो क्वालिटी अच्छा करो ऐसा काम करो कि आपके नाम से यूनिवर्सिटी जाना चाहे कुछ ऐसा काम कर दो तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूरी है तो ये सब बचपना थोड़ा सा निकाल दीजिए ये लॉन्ग रन में अच्छा नहीं लगता और इस मेच्योरिटी लेवल पर आके तो थोड़ा सा सूट नहीं करता आप लोगों पर ओके और इस टाइप के क्योंकि ये चीज़ कॉमन डाउट रहता है बच्चों का है ना जब भी मैं लगभग जो इस दस साल से इस डोमेन में हूँ और लोगों का अक्सर कॉमन डाउट ये रहता है कि सर ये यूनिवर्सिटी था मैं यहाँ जा रहा हूँ क्या मतलब मत सोचिए सब चीज़ ओके मैथमेटिक्स के बारे में सोचिए मैथ को अच्छा कीजिए मैथ में इम्प्रूवमेंट दिखाइए देखिए सब अच्छा होगा ओके okay? तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं मस्त रहने का मैथमेटिक्स में इन्जॉय करने का मैथमेटिक्स में देखिए सब अच्छा रहेगा ओके बट एनी ये सारे तीन स्टूडेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ अच्छा कीजिए मैथमेटिक्स में अच्छा काम कीजिए ताकि आपको अच्छा लगे यू फील गुड आपके गाइड को अच्छा लगे और सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स को भी अच्छा लगे ओके सी यू सून और बाकी लोग जो इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है कि नहीं मेरे अंदर पोटेंशियल है मेरे लेकिन मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या कहीं पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट हेल्प मिल जाए तो शायद मैं इंटरव्यूज़ को अच्छे तरीके से क्लियर कर लूँ या जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए या मेरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए या फिर मैं उस पर सब्जेक्ट के प्रति और ईमानदार हो जाऊँ उस पर पकड़ मेरी बजें तो उन लोगों के लिए भी इंटरव्यू के बैचेस अब स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है तो जिनको इस टाइप के कोर्सेस में थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए या लगता है कि थोड़े बहुत हेल्प से उनका अच्छा हो सकता है तो वो नोबल फोरम ज़ीरो फाइव पर मेल कर दें और फिर हम लोग कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट करके उनके बातचीत करके देखेंगे क्या हो पाएगा ओके टिल देन एंजॉय करते रहिए एंड सी सून ओके टेक केयर बाय